नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू ऑटो जोन में। दोस्तों मैं योगेश शर्मा आपके सामने खड़ी है मारुति सुजुकी अल्टो K10 VXI प्लस CNG वेरिएंट में। ग्लोबल एनकैप ने इसकी जो सेफ्टी रेटिंग है वो अनवील कर दी है, यानी कि लॉन्च कर दी है। तो दोस्तों अल्टो K10 ने जो स्कोर किया है वो है 2 स्टार। तो अडल्ट सेफ्टी रेटिंग में दोस्तों 2 स्टार जो है अल्टो K10 ने हासिल कर लिए हैं, और वहीं चाइल्ड सेफ्टी में वहां पे 0 स्टार जो है स्कोर किए हैं। अडल्ट में दोस्तों 2 स्टार, यानी कि 2 स्टार जो है सेफ्टी रेटिंग दोस्तों जो है अल्टो K10 ने हासिल कर ली है। यानी कि इसके जो है थोड़ फोड़ के उल्टा सीधा, मतलब उल्टी सीधी कर करा के इसका जो स्कोर निकाला है वो 2 स्टार है। तो गाड़ी देख सकते हो साहब की VXI वेरिएंट है CNG में। बात करूँ एक्सोरूम की तो 5,95,000 आपको जो इसका एक्सोरूम पड़ जाता है CNG में, और ऑन रोड आपके स्टेट वाइज अलग अलग वेरी करता है। तो यहाँ से देख सकते हो दोस्तों 2 स्टार लेके दोस्तों गाड़ी आपके सामने खड़ी है। CNG वेरिएंट वैसे है तो यहाँ से देख सकते हैं, और 1 लीटर का इसमें इंजन आता है, यानी कि 1000 cc का इंजन आता है। तो इसके मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम टॉर्क की बात करूं तो 56 bhp आपको जो मैक्सिमम पावर मिल जाती है, और वहीं बात करूं मैक्सिमम टॉर्क की तो 82 Nm, यानी कि 82 Nm ऑफ इसमें आपको टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है, वो भी CNG में। तो CNG में कुछ इतनी पावर देती है, 5,95,000 इसका एक्सोरूम है, और 2 स्टार जो है दोस्तों ग्लोबल एनकैप ने बता दिए, और 1 स्टार मिला है दोस्तों यहाँ पे साइड में खड़ी है देख सकते हैं वैगनार को ग्लोबल एनकैप ने 1 स्टार दिया है, और इसे 2। तो ओवरऑल देख सकते हैं दोस्तों CNG में गाड़ी है, तो यहाँ देख सकते हैं CNG का स्टिकर, तो वैसे कोई चेंज नहीं है, यानी कि ठोक ठाक के टेस्ट करके गाड़ी खड़ी कर दी है ग्लोबल एनकैप की तरफ से 2 स्टार लेके। तो यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरीके आपको जो है फ्रंट की लुक मिल जाती है। तो प्रॉपर जो हेडलाइट आपको जो है हेलोजन बल्ब बेस्ड मिलेगी लो बीम और हाई बीम के लिए, इंडिकेटर भी आपको जो है हेलोजन बल्ब बेस्ड मिलेगा। ग्रिल कुछ इस तरीके आपको जो है मैट में मिल जाती है, रेड कलर आपके सामने खड़ा VXI वेरियंट है, और यहाँ पे आपको जो है सुजुकी का लोगो मिल जाता है, और बॉनेट पर आपको जो है वॉशर मिल जाता है, ये आपका वॉशर है। तो यहाँ देख सकते हैं ऊपर आपके जो है वाइपर्स मिल जाते हैं देखने के लिए, कुछ इस तरीके का आपको जो है विंडशील्ड मिल जाती है। ज़्यादा बड़ी तो बोलेंगे नहीं, कॉम्पैक्ट एक छोटी सी क्यूट सी गाड़ी है, 2 स्टार लेके आपके सामने खड़ी है। वहीं इधर से देख सकते हैं, चलो उस साइड से आपको जो एक बार साइड प्रोफाइल दिखाता हूँ गाड़ी की किस तरीके के। तो साइड प्रोफाइल देखोगे तो कुछ इस तरीके आपको गाड़ी मिल जाती है, यहाँ से देख सकते हैं रेड कलर में, रेड कलर इस पर काफ़ी जो है सूट हो रहा है। तो ये देख सकते हैं, अगर थोड़ा सा और इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, यानी कि थोड़ा सा जो है ऊपर से चेंज कराओगे, अगर रूफ अगर ब्लैक करा देते हो तो इससे आर पार की गाड़ी कोई इस सेगमेंट में लगनी नहीं वाली है, ये मेरा मानना है। आप कमेंट करके बताना आपको कैसी लगेगी अगर इसके ऊपर जो है ब्लैक हो जाए। कंपनी वैसे देती तो नहीं है, पर आपको करवा सकते हैं आफ्टर मार्केट। और यहाँ देखोगे तो आपको फेंडर पे आपको जो है हेलोजन बल्ब बेस इंडिकेटर मिल जाता है देखने के लिए। टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो स्टील रिम मिलेंगी, और जिनकी प्रोफाइल है 145/80R13, यानी कि 13 इंच की आपको जो है स्टील रिम मिलेंगी। तो यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, और ORBM आपको VXI वेरिएंट में मैट ब्लैक में मिलने वाला, और डोर हैंडल्स आपको जरूर बॉडी कलर मिल जाएंगे। तो वहीं बात करो इसके रियर से लुक की, तो यहाँ देखिए कुछ इस तरीके आपको जो लुक मिल जाती है, और रियर से देखोगे तो कुछ इस तरीके आपको लुक मिल जाती है, और जो टेल लाइट्स हैं कुछ इस तरीके की आपको देखने के लिए मिल जाती है। जो हेडलाइट है आपको जो है प्रॉपर जो है दोस्तों हेलोजन बल्ब बेस मिलेगी, किसी तरह की आपको LED बेस नहीं मिलेंगी। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, और यहाँ देखोगे तो आपकी अल्टो K10 की बैजिंग मिल जाती है देखने के लिए। तो यहाँ से देख सकते हैं अल्टो K10 CNG में, तो CNG का जो स्टिकर आपको यहाँ देखने के मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके के दोस्तों ओवरऑल लुक है गाड़ी की बाहर से। तो चलिए आपको इंटीरियर एक बार चेक कर देता हूँ थोड़ा सा किस तरीके का जो इंटीरियर गाड़ी अपने साथ लेकर आती है 5,95,000 CNG में एक्स रूम के साथ। तो यहाँ देख सकते हैं पूरा ओवरऑल जो है मैट में, यानी कि मैट ब्लैक में आपको जो है पूरा इंटीरियर मिलने वाला है। तो यहाँ से देख सकते हैं पावर विंडो आपके यहाँ डोर पैनल पर देखने के लिए नहीं मिल रही है, क्योंकि आपको जो है सेंटर कंसोल में जो है पावर विंडो देखने के लिए मिल जाती है गाड़ी में। तो आपके CNG के लिए और पेट्रोल में स्विच करने के लिए आपको बटन मिल जाता है। VXI वेरिएंट है तो इसमें आपको नॉर्मली आपको जो है म्यूजिक सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ देख सकते हैं, और मैनुअल ट्रांसमिशन है तो 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर बॉक्स। सीट्स देखेंगे तो इसमें 5 हेडरेस्ट है, 5 फिक्स है, इसे आप एडजस्ट नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसा है, ऊपर देखोगे तो आपको एक लाइट मिल जाती है देखने के लिए, और ये आपको नॉर्मली IRVM यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, और यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा है यहाँ पे सिस्टम, और रियर देखोगे तो रियर में आपको कुछ तरीके का जो है सिस्टम मिल जाता है, यहाँ देखोगे तो किसी भी तरीके आपको जो है रियर में ही आपको जो है, यानी कि फ्रंट में ही पावर विंडो मिलेगी गाड़ी में VXI वेरिएंट में, रियर में आपको नॉर्मली इससे ही जो है अपना मिरर एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ कुछ इतना स्पेस मिल जाता है, फैब्रिक अपहोस्ट्री है, तो यहाँ देख सकते हैं 4 हेडरेस्ट हैं, 4 ही फिक्स है, इन्हें आप एडजस्ट नहीं कर सकते। कुछ इस तरीके का आपको जो है प्रॉपर जो है सिस्टम मिल जाता है, यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए एक बार आपको बूट और दिखाता हूँ गाड़ी का, बूट किस तरीके का जो है गाड़ी अपने साथ लेके आती है। तो बूट के लिए आप यहाँ से ओपन करेंगे, तो बूट के लिए दोस्तों यहाँ से आप ओपन कर सकते हो पीछे की से भी, ये आपके बूट के लिए, आपके जो है पेट्रोल के लिए, यानी कि जो फ्यूल लीड है उसे भी ओपन कर देता हूँ मैं, उसे भी दिखा दूँगा आपको। तो चलिए अब दिखाता हूँ, तो सबसे पहले आप जो है इसे चेक कर लीजिए, यहाँ से आप जो है अपने फ्यूल यानी कि पेट्रोल फिल करेंगे, ये आपके जो है CNG के लिए। तो CNG और पेट्रोल के दोनों जो लीवर्स हैं यानी कि नॉब हैं और नोजल हैं, ये यहाँ दे दिया, तो ये अच्छी बात है। स्विफ्ट CNG में आइए, उसको यहाँ पे दे दिया, एक काला सा टीका लगा दिया इसे यहाँ पे, तो वो अच्छा नहीं लगता, इसमें जो सिस्टम ठीक है, ठीक है। तो चलिए आपको इंजन दिखाता हूँ गाड़ी का, इंजन 1 लीटर का इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन किस तरीके का गाड़ी अपने साथ भेज देती है। तो चलिए चलते हैं,
दोस्तों इंजन की बात करूँ तो ये है 1 लीटर का इंजन, 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जिसकी मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम टॉर्क की बात करूँ सीएनजी पे तो 56 बीएचपी आपको मैक्सिमम पावर मिल जाती है सीएनजी पर। वहीं बात करूँ मैक्सिमम टॉर्क की तो 82 यानी कि 82 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क आपको निकाल कर दे देगा सीएनजी पे। तो ये देख सकते हैं 3 सिलेंडर इंजन है, पर ऊपर देख सकते हैं कुछ तरीके से जो है आपको बोनट मिल जाता है, एबीएस सीबीडी की यूनिट्स, ये आपकी बैटरी, तो कुछ इस तरीके का ओवरऑल सिस्टम है। तो चलिए करते हैं इसे बंद। तो आई होप दोस्तों आपको जो वीडियो पसंद आई होगी जो मैंने बताया। मेरा मेन मोटिव था दोस्तों गाड़ी के बताने के लिए कि हमारी जो अल्टो K10 है, मारुति सुजुकी अल्टो K10 ग्लोबल एनकैम से 2 स्टार रेटिंग के साथ, यानी कि 2 स्टार इसने स्कोर किया है ग्लोबल एनकैम ने और अडल्ट सेफ्टी में। और वहीं बात करूँ चाइल्ड सेफ्टी में तो चाइल्ड सेफ्टी में बेचारी 0 रह चुकी है। तो ये था सिस्टम, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी जो मैंने आपको बताया। तो मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।